हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही मजा आने वाले हम लोगों को। सर क्या मजा आने वाला है, इतना भारी भारी टर्म तो आता है, इसमें मजा क्या आता है दोस्त। अभी आप देखो कितना मजा आएगा इसमें, है ना। हम लोगों को कभी कभी भारी चीज़ को पढ़ने का भी मजा, बहुत मजा आता है भारी चीज़ों को समझने में। तो इससे पहले हम लोग का जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोग क्या देखे थे दोस्त, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मीन और वेरियंस। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और मीन और वेरियंस, उससे सबसे पहले क्या देखे थे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसमें मीन क्या होता है, वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। फिर हम लोग देखे थे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स क्या क्या हो सकते थे, उसमें से हम लोग क्या देखे कि भाई उसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखे, उसमें क्या देखे बाबू कि उसमें देखे क्या कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन वेरियंस क्या होगा, है ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस निकालना सीखे। फिर एक लेक्चर में आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ट सवाल करना सीखा कि कैसे सवाल को अप्रोच किया जाता है। अपेक्षा करते हैं कि अब तक वो सारी वीडियोस आप अच्छे से देख रखे हैं। तो आप अब हम लोग, हम और आप दोनों मिलके बढ़ेंगे पॉइजन की तरफ और देखेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहला दोस्त बात क्या आएगी, सबसे पहले बात आएगी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आखिर आया क्यों। तो अगर आप मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको पता होगा कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों आया, लेकिन फिर से हम आपको बताने में इंटरेस्टेड है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा आया वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिमिटेशन के कारण आया। अच्छा, लिमिटेशन मतलब क्या, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक लिमिटेशन आ गई थी, वो क्या था, नंबर ऑफ ट्रायल एन। नहीं, आपको बताए थे कि एक दो ट्रायल की बात होता था तो हैंड से ही कर देते, देख लेते थे और कर देते थे। जब बात आई 10, 15, 20, 25 ट्रायल की तो हम लोग कहें कि भाई आप 5-6, तो हम लोग कहें कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना, बाइनोमियल जो आपका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है उससे करना आसान होता है। तब मामला आई कि आपको बार बार वीडियो में ही बोल रहे थे कि देखो बाबू अगर ये बड़ा हो जाएगा एन, बहुत नंबर ऑफ ट्रायल एन, 100, 200, 400, 500, 2000 ये सब ऐसे हो जाएंगे तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से करना सही नहीं रहेगा, वहाँ पे वो इरर आते हैं, उसकी कैलकुलेशन थोड़ा बल्की हो जाते हैं, जिससे कैलकुलेटिव जो आपका कैलकुलेशन करके आएगा वो वैल्यू इररफुल आएगा ज़्यादा। तो मतलब वो हो जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे, यानी उस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जो मास फंक्शन है वो फेल हो जाता है, वहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालना कम डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग कहाँ आ जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं पॉइसन पे। और आपको हम शुरू में ही बताए थे कि पॉइसन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का दोनों जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए काम करता है। अब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, हम सारे पिछले लेक्चर में बता रखे हैं, आप जाके पिछले लेक्चर में देख लीजिए उसको अगर अभी तक नहीं देखे, अगर ये आप लेक्चर देख रहे हैं तो पिछले लेक्चर को जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं दोस्त यहाँ से कि ये एक लिमिटिंग केस है। लिमिटिंग केस मतलब कह सकते हैं, जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेशन हुआ तब आया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक बात एक शब्द में बोल सकते हैं मैथ की भाषा में अपने कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और दोस्त हम बार बार बोल रहे हैं आपको कि प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात करेंगे तो वो एक प्रोबेबिलिटी की बात नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक से अधिक प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने जाते हैं तब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाते हैं, कि नहीं। और आप एक प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम लोग कहेंगे कि वो एक प्रोबेबिलिटी अपना प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, एक एक प्रोबेबिलिटी, क्लियर। तो आपको दोनों बात हम बार बार करके समझा चुके हैं। तो बढ़ते हैं पॉइसन के बारे में दोस्त। तो पॉइसन के बारे में हम लोग ये कहेंगे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या बात क्लियर है, चलिए एक बात नोट कर लीजिए, हम लोग को ये बात पता भी है पहले से कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन is applicable for discrete random variable. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ओके। और दूसरी बात ये आती है
कि यह एक लिमिटिंग केस है किसका, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना। इट इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ये भी सर आप ये बात बोले वो भी हमें समझ में आया, सर आप ये बात बोले वो भी हमें समझ में आया, चलिए दोनों बात आपको समझ में आया। ये लिमिटिंग वाला जो मामला है उसको थोड़ा और भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। लिमिटिंग क्यों कहें, क्योंकि बाइनोमियल का लिमिटेशन था कि उससे एन जब अधिक हो जाता था तब काम नहीं होता था। अब लार्ज करने का मतलब समझ रहे हो भाई, मतलब आपको सवाल में बताया कि कैसे पहचानोगे जब n की संख्या आपको 100 150 200 500 ऐसे देने लगे, तो समझ जाना कि कहाँ जाना है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वाले मामला से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वी अप्लाई फॉर लार्ज नंबर ऑफ n, एंड n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, और एंड वेरी लेस वैल्यू ऑफ पी, पी क्या है, पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दोस्त, इन चीजों के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन is given by कैसे दिया जाएगा दोस्त, ये देंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हम लोग देंगे पहले बाबू इसको नोट कर लो, फिर आप कहोगे सर ये सब क्या क्या लिख दिए, कुछ हमको समझ में नहीं आया, आप करे तो इतना आसान है, है ना, कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं दोस्त, पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लो, अभी जितना लिखे उसको नोट कर लो अच्छे से। हो देखिए, अभी आप कहिएगा मोटा मोटी आपको क्या करना है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सब बात आपको पता है वो ध्यान में रखिए। क्या पता है कि भाई देखिए कि आपको शुरू में ही बताया है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भाई, ये आपको रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लागू होता है। तो पहला बात एकदम पॉइंट फिक्स कर लिए, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई फॉर द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, है ना। और रैंडम वेरिएबल दो तरह के, एक डिस्क्रीट, एक कंटिन्यूअस। आपको बताया था कि जो बाइनोमियल और पॉइसन दोनों डिस्क्रीट के लिए लागू होता है, और जो आपका नॉर्मल होता है जो कंटिन्यूअस के लिए लागू होता है। तो बाइनोमियल पढ़ लिए,
अब वही डिस्क्रीट के लिए क्या पढ़ रहे हैं, पॉइजन पढ़ रहे हैं। तो पहला तो हो गया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। तो पहला पॉइंट ठीक है, अप्लीकेबल फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक बात याद हो गया आपको। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि यह लिमिटिंग केस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का लिमिटेशन क्या था कि यह नंबर ऑफ ट्रायल कम के लिए सही से देता था। अब आपको ये मामला समझाते हैं हम कि कैसे नंबर ऑफ ट्रायल के लिए दिक्कत क्या आता है, सो समझते हैं कि क्यों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको लिमिटिंग केस कहा गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। चलिए चलते हैं हम लोग बहुत ही, आपको देखिए इसमें आपको दो बात लिखाए हैं। क्या बात लिखा है कि ये लार्ज नंबर ऑफ एन के लिए और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसकी वैल्यू बहुत ही कम के लिए ज्यादा सुटेबल होता है। फिर से क्या बोले, देखिए वी अप्लाई फॉर लार्ज नंबर ऑफ एन एंड द वेरी लेस वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पी का मान जब कम रहेगा और एन का मान ज्यादा रहेगा तो इसको अप्लाई करने के लेके हम चले जाएंगे आराम से, ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें यहां से मिलता है। अब ये लार्ज नंबर ऑफ एन और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम होने की क्या बात हम कर रहे हैं, उस चीज को समझिए, ये क्या कहना चाह रहा है समझिए। अभी हम इस बात को बहुत ही ज्यादा क्लियर करेंगे, आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप क्या क्या लिख दिए, सब बातें एक एक करके करते चलते हैं। देखिए सपोज दैट आप जब जाते हैं, नॉर्मली आप मान लो हम सब जितना भी है सब गांव के रहने वाले हैं और हमारे इंडियन कल्चर में ज्यादातर हम आदमी है सांवला है, कुछ कुछ गोरा भी है, ऐसा नहीं कि गोरा आदमी समझे कि गोरा हम है हमको सांवला करे, ऐसा नहीं, बहुत ज्यादातर आदमी कैसे सांवले हैं। चलो अब चलते हैं हमला बोलते हैं, कहाँ हमला बोलने का तो नहीं है, अमेरिका घूमने चलते हैं। आइयो राम, ये है इंडिया, है ना, ये है इंडिया, हम सब लोग गए अमेरिका, सब लोग मतलब चलो सब लोग नहीं जाते भाई, कुछ आदमी जाओ, है ना, USA, है ना, ठीक है। अब चलो यहाँ पे है गोरी गोरी लड़कियाँ, है ना, हे गोरी गोरी लड़कियाँ, ठीक है। अब हम लोग को तो देख के ही ऐसे ही लग रहा है कि इसमें से पटने वाली नहीं है, है कि नहीं, पहले ही मतलब आप बताओ कि हम लोग को देख के ही लग रहा है अब कि गोरी गोरी लड़कियां सामने सामने लड़के काले काले लड़के से पटने वाले नहीं है, ठीक है, मतलब आपकी लड़की की पटने की चांसेस क्या है, बहुत ही कम, क्या है, बहुत ही कम, मतलब पी का मान 0.00001 कर ले आप उन लोगों से नहीं होने वाला है कि नहीं, है कि नहीं, ये बात समझ आए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे मिलने की चांसेस बहुत कम है, क्या बात क्लियर है। अब हम लोग ऐसा, अब बताओ क्या एगो पर चांस मारेंगे क्या, हम लोग देखे ऐसे ही चांस कम है तो एगो पर तो ट्राई करेंगे नहीं, चलो लगभग जितना मिल जाता है 1,000, 2,000, 10,000 है कि नहीं, उस पर ट्राई करेंगे, यानी संख्या ज्यादा है कि नहीं, यानी लार्ज नंबर ऑफ गोरी गोरी लड़कियां, है ना, यानी एन का मान लेके चले 10,000 ले ले, हाँ चलो ठीक है, एन बराबर 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा, भाई एक दो को बढ़ाइए देंगे जीरो तो चलेगा है कि नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ओके ये है 10,000 गोरी गोरी लड़कियां और इसकी पटने की चांसेस बहुत ही कम 0.0001। क्या यह बात क्लियर है दोस्त। अब बात करते हैं ऐसे केस में, है ना, है ना, ऐसे केस में आपसे पूछा जाए कि क्या चांस है कि इसमें से चार लड़की पट जाएगी, है कि नहीं, 10,000 में से 8 times success नहीं, आप एन डिसाइड कर लिए, आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी इसी को देखो, जो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पढ़े हो NCRPRQN-R, ओके इस दोस्तों इसमें हम लोग जो पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े, ये इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, आपको बताए थे वहां पे, इसी को क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इसी को बोलते हैं PMF, अगर आपको याद हो तो यही तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो उसमें एक शब्द लिख दिया था इसलिए बार बार बता दे रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दोस्त अब बात करते हैं, देखिए इसमें चाहिए होता है n, n क्या होता है नंबर ऑफ गोरी गोरी लड़कियां, यानी 10,000, यहां पे कितना है 10,000, वाह क्या बात है, चलो ज्यादा संख्या रहेगा तो चांस कुछ ज्यादा तो बढ़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी इसकी पटने की बहुत ही कम, यानी p कितना है सक्सेस की 0.0001। बाबू अब मामला और क्या आता है इसमें गंभीर,
कि आपको आर बराबर चार तीन कुछ भी दे दे है ना, एक्स दे दे कुछ भी, एक्स ले लो यार, आर ले लो, तीन पड़ जाए, दो पड़ जाए, एक पड़ जाए है ना, या जीरो पड़ जाए है ना, जीरो भी लेके चल सकते हो, नहीं चलो चलो ये बात क्लियर है यहां तक। अब बात करेंगे हम लोग कि क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा एक माइनस का न पटने की, हाँ ये कितना आ जाएगा, एक माइनस का 0.0001, ये आएगा कितना बाबू, ये कितना आएगा 0.9999, ओके क्लियर है क्या ये। अब बाबू देखो ये क्यू हो गया आपको 0.999, मतलब ना पटने की प्रोबेबिलिटी है ना, सक्सेस ना मिले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि नहीं दोस्त। अब इसको रखिए अपने फॉर्मूला में और क्या पाते हैं हम, सो देखते हैं, आइए निकाले गोरी गोरी लड़कियों की पटने की प्रोबेबिलिटी है ना। अब दोस्त देखो यहां से ये निकालेंगे आर बराबर दो या तीन जो भी ले लो आप है ना, ये क्या होगा वो बताओ, देखो 10,000 सी टू और ये आएगा 0.0001 टू द पावर टू और 0.9999 टू द पावर कितना होगा बाबू, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 9998। अब इसको कैलकुलेट करना है पावर के टर्म में, दिस बिकम्स मच डिफिकल्ट एंड डाटा एक्यूरेसी यहाँ पे कम नहीं लगेगा आएगा। इस तरह की वैल्यू को आप इतनी कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को आप पावर के टर्म में आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये वैल्यू आपको एक्यूरेसी बहुत कम नहीं देख जाएगी। देखिए इस वैल्यू को देखिए, गौर से इस वैल्यू को देखिए, यही मामला होता है जब पी का मान बहुत कम जाए और एन का मान बहुत बढ़ जाए तो यही मामला डेवलप होके आती है और यही एरर यहां से एक्यूरेसी हमें कम देखने को मिल जाती है और ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस पर लगाना हमारे लिए खतरा से खाली नहीं रहता है, मतलब हमारी जो एक्यूरेसी गलत हो जाएगी है ना, कैलकुलेशन गलत, तो एक तो पटने का चांस ऐसा ही गलत कम था और वो कैलकुलेशनों गलत हो जाए है ना, तो सारा लफड़े लफड़ा हो जाएगा है ना। तो कुल मिला के ये होता है कि इस तरह के कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, इस तरह की दिक्कत को रोकने के लिए हम लोग बढ़े कि चलिए एक काम किया जाए कि एक नए तरीका का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला जाए और वह क्या करेगा हमारा इस बड़े बड़े हायर वैल्यू के लिए हमारा लिमिटेशन को कम करके एक्यूरेसी को बढ़ाने का काम करेगा और तब जाके आया पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। बात क्लियर हो रही होगी, हाँ कॉन्सेप्ट तो यहीं से क्लियर हो गया होगा है ना, तो आगे किसी जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं दोस्त आगे की, ठीक है आगे की देखो अभी आपको समझ में आएगा कि n का मान हम बड़ा क्यों बोले और p का मान छोटा क्यों बोले, कि जब ऐसे केसेस होते हैं तो वहां पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना काफी फायदेमंद होती है। कहेगा कि सर हम लगा नहीं सकते हैं, क्या लगा लो ना भाई, कोई दिक्कत रोके थोड़ी ना है, लगा लो है ना, कैलकुलेशन गलती आ गया तो न पटवा करेगा मारो खाएगा है ना, हम लोग लगा है ना, तो लगा लो, मतलब देख रहे हो भाई कि गल जब समझ रहे हैं कि यहाँ पे बता दिया गया है हमें कि भाई नहीं करना है तो हम लोग नहीं करेंगे, वैसे इससे अवॉइड करेंगे, ज़्यादा अच्छा अच्छा वाला कैलकुलेशन करेंगे जहाँ से चांस कुछ ज़्यादा बढ़े है कि नहीं, हमारी एक्यूरेसी मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या हो, तागरा हो, क्या दोस्त तागरा, क्लियर है क्या। चलिए अब बात करते इससे आगे, अभी इसको हम इरेज करना चाहेंगे है ना, ओके हम लोग यूएस से घूम के चलाए, यूएस ट्रिप घूम के अब आ जाते हैं फिर से प्रोबेबिलिटी फंक्शन पे आ जाइए, यही बात बोले आपको बताया कि उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इस वाले में जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है वो दिया जाता है, जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बायनोमियल वाले में कैसे देते थे बाबू, पी बराबर एक्स बराबर आर बराबर एन सी आर है ना, और p टू दी पावर r q टू दी पावर n माइनस r, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था PMF, इसी को बोलते थे, यानी एक प्रोबेबिलिटी हम जनरल फार्मूला बना लिए थे रैंडम वेरिएबल के लिए, अब r का मान 0 1 2 के लिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालते थे, उसको टेबुलेट कर देते थे, तब बनता था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं उसी तरह से
जो आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे तो जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का जो फॉर्मूला यहाँ था वो फॉर्मूला अब इससे लिमिटेशन से यह से आ जाएगा। कह सर सर आप तो डायरेक्ट लिख दिए और कहाँ से आया कुछ पता नहीं चला। भाई ये लिमिटिंग वैल्यू इसका है और इसकी प्रूफ भी होगा तो हम आगे चल के फर्दर वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि ये आया कैसे, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू बाइनोमियल यानी बाइनोमियल से ही ये निकल के आया हुआ फॉर्मूला है। अब मामला आएगा सर आप तो ये सब लिख दिए लेमडा टेमडा क्या क्या लिख दिए उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं, आप ध्यान से देखो x जो हमारा है वो r की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा? r की तरह। और जो लेमडा है वो मीन की तरह काम करेगा। यहां पे क्या करेगा? मीन। यहां लेमडा मीन है और x r की तरह बिहेव करेगा। अभी हम लोग लिख लेंगे इस बात को, तो चलिए इस अगले पेज में हम इसी बात को और भी अच्छे से डिस्कस कर ले ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए आइए बात करते हैं, जो आप बात कर रहे होंगे r पी एक्स इज इक्वल टू जो हम लोग लिखे हैं बाबू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन उसको आप अपेक्षा करते हैं, आप अच्छे से नोट कर लिए हैं, आगे हम लोग देखते हैं। पी आर इक्वल टू बाबू क्या बात करते हैं कि हम लोग लिखे क्या e टू द पावर माइनस लेमडा x टू द पावर लेमडा टू द पावर x लेमडा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का सिंबल है बाबू। ठीक है, ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। क्लियर है? यहां प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फॉर्मूला है जहां पे आप देखो लेमडा जो है आपका ये होता है मीन। ये क्या होता है? मीन। और मीन क्या होता था याद करो पूरा वही एनपी। क्या होता था? एनपी। वही मीन है। और एक्स हमारा क्या है? एक्स हमारा आर है। तो अगर दोस्त अगर हम लोग मीन को एक नया सिंबल कहीं कहीं किसी किसी बुक में आपको मीन के लिए एम है ना और एक्स के जगह पे आर हुआ लिखा हुआ मिल जाएगा, तो किसी किसी बुक में यही फॉर्मूला आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, यहां एक्स के रूप में होगा, किसी किसी बुक में आपको यही प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए ई के पावर माइनस एम यानी मीन है ना, लेमडा होगा मीन, अब मीन के पावर होगा आर और आई नीचे में हो जाएगा आर फैक्टोरियल। तो किसी किसी बुक में दोस्त आपको ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए। किसी किसी बुक में आपको ऐसे फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए। तो दो को कुल मिला के ये कहना है मेरा एग्जैक्टली कि अब ई का मान के बारे में अगर बात कीजिए तो वो आपका होता है 2.7 अप्रॉक्स। क्लियर? अब दोस्त ये 2.7 ई का मान होता है आपके कैलसी में भी आपको रहता है, एक्सपोनेंट वाला वैल्यू रहता है, अब उससे आपकी कैलकुलेशन के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है ना, क्योंकि ई का मान आपको कैलसी में मिल जाता है। मीन आप एनपी से निकाल लोगे, एम आपको एम आपका मीन ही होता है, आर आपका नंबर ऑफ टाइम ऑफ सक्सेस होता है। तो हमें ये बात अच्छे से पता चल गया कि ये है हमारे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन यानी प्रोबेबिलिटी किसी सक्सेस के लिए आर सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला अब यूज करने वाले हैं या फिर ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। दोस्त कभी कभी आप ये देख लेते यहाँ हम ये पढ़ा दे और आप बुक में देख लेते ये तो फिर आप सोचते कि ये नया फॉर्मूला क्या आ गया। दोस्त कुछ भी नहीं है, अभी बस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है, बस ये लेमडा यहाँ मीन का काम कर रहा है तो यहाँ मीन हो गया और ये एक्स आपके आर की जगह पर नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ सक्सेस के लिए काम कर रहा है। क्या बात क्लियर है? हो तो अब आपका कहना होगा सर इस पर कुछ क्वेश्चन एक दो करवा देते तो कुछ कुछ समझ में आता अच्छे से है ना, और इसके बाद ये फॉर्मूला कैसे आया उसको भी डिराइव करेंगे क्योंकि लिमिटिंग केस है इसका है ना, और ये बहुत इसका मीन और वेरिएंस, और देखिए ध्यान से सुनेगा इसका मीन और वेरिएंस ये सब एग्जामिनेशन में आते हैं, बार बार बोल रहे हैं आप एकदम ब्लड में आपके रहने चाहिए। और अगर आप मजे लेने के लिए सोचोगे ये सब छोड़ देते हैं खाली सिंपल सिंपल जो बात है वो याद करके रख लेते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में ये दर्द देगा है ना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम बार बार बोले कि चार पांच जो क्वेश्चन है आपको बता रहे हैं जो सब वीवीआई लगा मोस्ट वीवीआई लगा कर दे रहे हैं उस सब में से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है ना। अब ध्यान से देखिए ये चीज यहां से कि इस पे बेस्ड अगर एक क्वेश्चन कर लेते तो हम लोग को मजा आ जाता कि सर इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन करा दीजिए फिर इसका डेरिवेशन कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां से क्वेश्चन की। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सफर अ बैड रिएक्शन, क्वेश्चन है इफ द प्रोबेबिलिटी डैट, नोट करना शुरू कर लीजिएगा आप लोग भी, इफ द प्रोबेबिलिटी डैट डैट एन इंडिविजुअल सफर अ बैड रिएक्शन
सफर अ बैड रिएक्शन रिएक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन अब सर्टेन इंजेक्शन छोड़ दो, लिख लो कोरोना वायरस इंजेक्शन, ठीक है, ये क्योंकि बहुत मजा आने वाला, क्योंकि उसी चीज को हम समझा रहे हैं, ठीक, कोरोना वायरस इंजेक्शन, कहा किसी इंजेक्शन से, हमने कहा कि कोरोना वायरस इंजेक्शन अभी लगने वाला है, उसके बाद बात कर लेते हैं। सर्टेन कोरोना वायरस सर्टेन सीधे लिखो कोरोना वायरस इंजेक्शन सफर फ्रॉम अ कोरोना वायरस इंजेक्शन और दैट प्रोवाइडेड दैट इंडिविजुअल सफर फ्रॉम अ बैड रिएक्शन फ्रॉम अ कोरोना वायरस इंजेक्शन इज 0.01 इज 0.01 फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट आउट ऑफ डेट आउट ऑफ आउट ऑफ आउट ऑफ 2000 individuals ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपका, पहला दो क्वेश्चन इसमें हम लोग कर लेते हैं। Exactly three individuals will suffer a bad reaction. और दूसरा है दोस्त, None will suffer a bad reaction. ठीक है। और तीसरा दोस्त एक और भी उसको लिख लीजिए, वो आपके लिए HW रखने देंगे, वो है आपका More than one individual will suffer. ओके, देखो ये पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नौटंकी चल रहा है ना, ये पढ़ाई नहीं है दोस्त, इसको पढ़ाई कर तो यार, ये सब जरूरी चीजें हैं जो कैसे हो रही है, कैसे घटनाएं हो रही है, सब चीज को सीखने का तरीका है ना। अब ये सब चीजें नहीं सीखोगे तो फिर इंजीनियर कहलाने का मतलब भी तो नहीं है, अगर आपको ये सब चीजें समझ में ना आए तो। अपने आप को एक इंजीनियर कहने के लिए आपके अंदर से भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए ना कि हम इंजीनियर है सच में, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट भी आप जान के रखो, ठीक है। दोस्त पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, है ना, फिर हम क्वेश्चन डिस्कस कर देते, समझाते कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, और फिर हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए हैं, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को समझना। दोस्त ऐसा हो रहा है कि भी हमारे देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने वाली है, और हम सबको पता चल रहा है कि वैक्सीन आ गए हैं और वैक्सीन लगने वाली है, और ये इतना लेट भी लगा क्यों, क्योंकि इसमें रीजन ये था कि वैक्सीन खाली बना के और उसका जो बैड रिएक्शन होता है, मान लीजिए वैक्सीन लगा दिया, आई आपको वैक्सीन लगा दिया, वैक्सीन आके लगा दिया और होगा वैक्सीन जो आपके होती है, वो आपको वैक्सीन लगाया और पता चला क्या कि 5 दिन तक तो आप सही रहे, लेकिन जैसे ही 5 दिन के बाद हुआ तो आपको अचानक चक्कर फक्कर एकदम बुखार बुखार फीवर तीवर लगना शुरू हो गया, वाइब्रेशन मोड में आ गया, क्या होगा उसका बैड रिएक्शन। उस समय तो आप कोरोना वायरस से लगभग आपको आराम मिलने लगा, लेकिन उसका बैड रिएक्शन जो बाद में दिखा उस इंजेक्शन का, वो आपकी मतलब आपके लिए तो उस कोरोना वायरस से भी खतरनाक हो गया,
कि आपको एक नया बीमारी, आप मरने के दौर में पहुंच गए, वो जो रिएक्शन, देखिए ध्यान से, वो जो रिएक्शन बैड रिएक्शन हुआ उसी की टेस्टिंग बहुत में बहुत लंबे टाइम लेता है। तब देखते हैं इंडिविजुअल पर, तनका जनसंख्या पर ट्राई करके देखेगा, फिर ज़्यादा पे देखेगा, फिर ट्राई करके देखेगा, फिर और एक के साथ तो पूरा देश में जितना सबको नहीं लगवा सकता, पर एक तो कमी भी है और दूसरा क्या है कि एक के साथ सब पे ट्राई टेस्टिंग नहीं कर सकता, कुछ टाइम देखेगा, है ना। और ऐसे माना जाता है कि शायद एक दो वीक में अगर किसी का बैड रिएक्शन नहीं आता है तो बहुत ही कम चांस रहता है कि उस वैक्सीन का बैड रिएक्शन बाद में आए, ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए वैक्सीन दे दिया और एक सप्ताह, दो सप्ताह, एक महीना तक अगर उसका कोई बैड इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला तो लेटर ऑन उसका बैड इम्पैक्ट बहुत ही कम आता है, ऐसा वैक्सीन पे कहा जाता है, ऐसा वैक्सीन के मामले में। बट आप ध्यान से सुनो कि वैक्सीन के एक साइड इफेक्ट भी, जिसको बोलते हैं हम लोग साइड इफेक्ट अपनी भाषाओं में, तो साइड इफेक्ट का भी चांस रहता है। तो ऐसा ही कुछ मतलब मामला क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए कि एक वैक्सीन क्या किया गया, एक वैक्सीनेशन किया गया, कुछ आदमी को इंजेक्शन लगाया गया, जो हम लोग कोरोना वायरस पे ही बना लिए इस क्वेश्चन को, जो वैक्सीन लगाया गया उसमें से कितने आदमी को लगाया गया, वो 2000 आदमी को लगाया वैक्सीन, ठीक है। और उसमें चांस क्या है, उसमें जो आपको सफर होने की चांस, यानी बैड रिएक्शन से गुजरने की जो चांस है, प्रोबेबिलिटी, ये सब यही बात वो सब किया होगा, ये सारा काम वो सब किया होगा, जो आप इंजेक्शन जो आप देख रहे हो, जो आने वाला वैक्सीन है, इस सब पे इस तरह के ट्रायल, इस तरह के कैलकुलेशन किए गए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं वो। अब देखो उसमें चांस वो देखेगा, प्रोबेबिलिटी की देखिए कि जो अब एक देखिए एक इंडिविजुअल पे जो इंडिविजुअल को सफर होने का जो चांस है, यानी उसका बैड रिएक्शन से मतलब उसका बुरा प्रभाव भी उस पर पड़ेगा, उसकी चांस ये है कि 0.01 है। वो ट्राई किया गया 2000 लोगों पर, कितने लोगों पर, 2000 लोगों पर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका क्या चांस आया है, अब कितना परसेंट चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि तीन गो आदमी उस 2000 में से बुरे दौर से, यानी उस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट है उस पे हावी हो जाएगा, साइड इफेक्ट उससे उसको गुजरना पड़ेगा, उसकी क्या चांस हो सकती है। फिर कह रहा है कि कोई भी ऐसा नन विल बी सफर अ बैड रिएक्शन, कितने आदमियों पर ऐसा क्या चांस है कि एक आदमी पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े, है ना, एक भी आदमी पर इसका बुरा प्रभाव न पड़े। और दूसरा, मोर देन वन इंडिविजुअल विल सफर, मतलब एक से अधिक आदमी पर इसका बैड रिएक्शन पड़े, यही है क्वेश्चन। तो बताइए ये सब कैलकुलेशन किए बिना वो हमको कैसे दे सकता, नहीं दे सकता है, तो सारा कैलकुलेशन वो किया होगा। तो आइए हम लोग भी देखें कि कैसे कैसे वो लोग कैलकुलेशन करते हैं और क्या रिजल्ट आता है। तो बाबू अब मामला ये आता है कि ये तो समझ गए कि सर ये सब निकालना है, हमको पता चल गया, लेकिन इसमें डायरेक्ट वाला मामला से तो हमको दिखाई नहीं दे रहा कि डायरेक्ट कैसे निकालने जाएंगे, है कि नहीं। डायरेक्ट जो प्रोबेबिलिटी आप पढ़े हो, नंबर ऑफ इवेंट्स हैपनिंग, नंबर ऑफ गिवन, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस वाला फार्मूला का तो कुछ मामला ही नहीं दिख रहा है, मतलब डायरेक्ट वाला नहीं लगेगा। बात आएंगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन वाले फार्मूला पे, तो उस वाले फार्मूला से अगर हम जाने की कोशिश करें तो हम कहेंगे अच्छा एन दे दिया 200, चलो ठीक है, पी दे दिया 0.01। अब जैसे ही एन का मान देखेंगे, मत लगा, काहे नहीं लगा, तो भाई हमने जाना है कि बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है एन की वैल्यू कम के लिए लागू होती है और अच्छी वैल्यू देती है। अगर ये लगा लेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, फिर जो हमारे कैलकुलेशन उसके हिसाब से हमको रिएक्शन अपने देश में या फिर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि उसका क्या साइड इफेक्ट पड़ा, सही नहीं आएगा, अच्छा कैलकुलेशन हमारे पास नहीं आएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें एन का मान देखते ही ध्यान में आया कि भाई तुम एक काम कर, तुम पहुंच जा किससे, पॉइसन से चल जा, कह रहा है बार बार तुम पॉइसन से जाओ, है कि नहीं। अब हम लोग सोचेंगे चलो पॉइसन से चलते हैं और काम करते हैं, ठीक है, आ जाइए। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें, सबसे पहले बाबू सॉल्यूशन की बात करें, तो पहले आप जान लो कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं बाबू, सो देख लो ध्यान से क्या पढ़े हैं, ऐसे फिर फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग दिया क्या है, क्या दिया है, सो पहले देखिए ये क्या दिया है, एन बराबर दिया है 2000, ओके। अब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसा बैड रिएक्शन से हैपन होने की प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है, 0.01। ये भी देखे कि प्रोबेबिलिटी भी कम है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी भी कम है, अच्छा एन देखे ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी कम है, समझ गया कि ये है ना है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की ही सवाल है, क्लियर। अब बात करते हैं, अब यहाँ से हम लोग एन निकाल लेंगे, लेमडा निकाल लेंगे, या इसी को एम बोलते थे, जो आपको बताया कि लेमडा यहाँ एम की तरह काम करेगा, वो कितना होगा, एन पी के बराबर होगा। आप क्या करो, एन है 2000
इनटू ये आपका हो जाएगा 0.01। बाबू ये कितना आ जाएगा 20। ये आपका मीन आ जाएगा 20। ठीक, अच्छा अब हम लोग को लेमडा पता चल गया। अब पूछ रहा है, अब एक मामला बच गया, आर का मामला बच गया, नहीं एक्स बराबर आर जे वाला मामला था, यानी कितना सक्सेस चाहिए है ना आर टाइम्स। तो अभी देखिए वो पता चलेगा कहाँ से, इस क्वेश्चन से। किस क्वेश्चन से? ये क्वेश्चन से। एग्जैक्टली थ्री इंडिविजुअल्स विल सफर, यानी आर का मान कितना दे दिया 3, नहीं नन विल सफर, आर का मान कितना 0, नहीं यही ना। तो अभी आप देखिए गौर से, यहाँ से हमारे लिए दोस्त ये आर हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा पहले क्वेश्चन के लिए फॉर फर्स्ट क्वेश्चन है ना, आर इज इक्वल टू 3, एग्जैक्टली 3 नहीं। तो अगर हम बात करें दोस्त पी बराबर एक्स इक्वल टू आर वाला मामला से, तो यहाँ भी यानी पी एक्स कहिए, ये क्या होता था बताइए। यहाँ पे हम लोग जब बाय यूजिंग जाएंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन उसके थ्रू जाएंगे, यानी पॉइजन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से जाएंगे, तो वो क्या होता है, वो होता है ई के पावर माइनस लेमडा यानी माइनस मीन है ना, और लेमडा के पावर यानी मीन के पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, या इसी बात को अगर हम लिखे तो ई के पावर माइनस मीन है ना, और मीन के पावर एक्स यानी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, यही है नहीं। तो अब चलिए अब इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमको आर का मान कितना पता 3, बाकी सब मान पता है। एम बताइए कितना है, ई के पावर एम हो जाएगा कितना बाबू, देखो एम का मान कितना माइनस 20, तो हो जाएगा माइनस 20 है ना, इनटू का 20 के पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल। दोस्त इसका कैलकुलेशन कर लेना है हम लोगों को, ये कैलकुलेशन करके हमारे पास आएगा एक ई के पावर 20 को नीचे लिया हो, क्या लिया हो नीचे, तो बाबू कुछ ऐसा हो जाएगा 20 के पावर 3 अपॉन देखिए 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6, 3 इंटू का 2 आई हो जाएगा देखिए ई के पावर 20, ई के पावर नीचे आएगा तो 20, ई के पावर होगा 20, ई का मान होता 2.718 लाइक दैट, ठीक है। और ये हो जाए ई का मान होता कितना, ई का मान आप लोग बगल में लिख लोगे बाबू, बगल में लिख लो, ई का मान होता है 2.718 ठीक है, ये होता है के पावर 20, इतना का पावर 20। इसका कैलकुलेशन करके आप हमें बताइए ये कितना आ रहा है, जल्दी से कितना आ रहा है वो 2.74 कितना आ रहा है 2.748 2048 इतना लंबा रहने दीजिए है ना, अच्छा अच्छा इतना इंटू का 10 to the power -6 भाव, इतना कुछ वैल्यू आ रहा है, इसको डिवाइड करके आप डेसिमल को और भी शिफ्ट कर सकते हो, यानी 0.000 करके समथिंग जाएगा, अब इतना कर सकते हो आप। ये प्रोबेबिलिटी हमें आ रहा है, इतना चांसेस हमें मिल रहा है, ये देखे दूर नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा ये दूर तो इसका हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे जितने भी घटना है उसमें सबका जोड़ एक ही आएगा, तो दो कैसे हो जाएगा। अब देख लीजिए दो है नहीं, एक एक के पावर 6 से यानी 1/6 से भाग भी देना है, वो तो भाग दीजिएगा तो ये आपका ये आ जाएगा नहीं, तो ये आपका आया कि 3 आदमी को कोरोना वायरस के इंजेक्शन के कारण जो बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा उतना चांस है इसका, तो भी बहुत ही कम चांस ना हुआ, जानते हैं ऐसा नहीं कि चांस नहीं है, उसकी बैड रिएक्शन की चांस है, लेकिन जब चांस बहुत कम रहता है ना तभी जाके कोई भी जो दवा मैन्युफैक्चरर जो हमारा है वो सब अलाउ किया जाता है, वहाँ से उसको लाइसेंस दिया जाता है कि आप जाके डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और वैक्सीन लगाइए, नहीं तो वैक्सीन लगाने नहीं देगा है ना, बात समझ में आ रही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसी में, अब समझ गए कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको पता चल रहा होगा कैसे कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है सेकेंड में, कि नन विल सफर फ्रॉम बैड रिएक्शन, किसी को बैड रिएक्शन नहीं होना चाहिए, तो बाबू आर कितना हो जाएगा 0, किसी को नहीं होना चाहिए, फिर आप निकाल लो पी एक्स बराबर 0 के लिए, कुछ नहीं फटाफट रखो
ई के पावर मीन आया था आपको 20 के पावर 0 और फिर आपका 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 है ना, 0 का फैक्टोरियल 1। फिर आप ये कर लो, ये 1 हो जाएंगे, ये आपका नीचे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 के पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ई के पावर 20, और ई के पावर 20 देखो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ई के पावर 20 2.178 के पावर 20। ये कैलकुलेशन कर लीजिए, ये जितना आएगा वो आपका बताइए कितना आ रहा है बाबू, 2.0611 5 10 to the power -9। देखिए इतना कम चांस है इसका कि कोई नहीं हुआ, भाई कोई ना कोई तो होवे करेगा ना, कैसे कोई होगा जब इसका चांस बैड रिएक्शन सफर होने का चांस 0.001 है, 0.01 है, तो जब रिएक्शन से सफर कोई हो कुछ चांस है होने का तो कोई ना कोई तो होवे करेगा, ऐसा थोड़ी ना हुआ कि कोई नहीं हुआ, लेकिन उसकी चांसेस भी बहुत ही कम, क्योंकि 0.01% ही चांस ही है, तो उसी इसकी वैल्यू भी बहुत कम आ गया। बात क्लियर है दोस्त? अब नेक्स्ट वाला है वो आपको करके आना है, अब आप समझ गए हो कि कैसे अप्लाई करना है, तो नेक्स्ट वाला आपको करके आना है। ये है क्या, फिर हम लोग इसकी डेरिवेशन की तरफ चलेंगे, ये क्या है एक्चुअल में, तो देखिए होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में डेरिवेशन करेंगे, तो अभी आप इस चीज़ को देख लीजिए, क्योंकि बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो फिर आप लोग भी बोर होने लगोगे, सर आप अमेरिका तो घुमा दिए लेकिन बोर कर दिए पूरे लेक्चर में, है ना। देखिए ध्यान से देखिए इस चीज़ को, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, स्लाइड पीछे करना पड़ेगा, ओहो ये देखिए, मोर देन वन इंडिविजुअल सफर, एक से अधिक इंडिविजुअल सफर हो जाए, तो एक से अधिक कह रहा है तो मतलब ऐसा हो सकता है कि दो गो हो जाए, 8 = 2, हो सके 3 हो जाए, हो सके 4 हो जाए, हो सके 5 हो जाए, हो सके 6 हो जाए, हो सके 7 हो जाए, है ना, हो सके हो। एक बात और आपको बताना है, हमको अभी याद आया है, कुछ नहीं अभी बताएंगे, वहाँ पे r का मान n तक लेते थे ना बाइनोमियल में, r का मान n तक होता था, यहाँ इन्फिनिटी तक हो सकता है, यहाँ r का मान इन्फिनिटी तक हो सकता है, लेकिन हमारे पास तो कितना आदमी है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, और कितना 2000 है, तो ऐसा ऐसा करके r का मान कितना तक हो सकता है, 2000 तक, 20000 लिखा गया हो, 2000 ठीक है, वो 2000 तक हो सकता है, मामला समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए अब ये 2000 तक हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि आपको मोर देन वन के लिए कहेगा इंडिविजुअल, मतलब एक से अधिक इंडिविजुअल सफर होगा इस चीज़ के लिए, तो एक से अधिक क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो अब समझिए इस चीज़ को, मतलब आपको क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको निकालना है जो आपको तीसरा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या निकालना है, देखिए ना पी आर इक्वल टू 2, यानी r इक्वल टू मोर देन 1 के लिए ऐसे निकालना, देखिए ऐसे अगर इसको लिख ले बाबू, r इक्वल टू मोर देन 1 के लिए निकालना है, तो इसको लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 r इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, यानी r इक्वल टू 4 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस डॉट 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ 2000। अब कहोगे सर आप इतना लंबा कौन करते रहेगा, है ना, ये बात भी सही छे है कि नहीं, कि इतना लंबा कैसे हम लोग काम करते रहेंगे, है कि नहीं। अब चलिए दोस्त बात करते हैं यहाँ पे इसका उपाय क्या है, देखिए दोस्त सरल उपाय है सर जी, इसका क्या उपाय है सोच देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ r इक्वल टू इन्फिनिटी कितना होगा सबका जोड़ 1 होगा। और आप ध्यान से समझिए कि हमारे पास अभी तो 2000 तक है कि नहीं, तो इन्फिनिटी तक तो है ही नहीं, हमारे पास कितना है 2000 तक है, तो 2000 तक का भी सम है क्या, कितना बराबर होगा 1 होगा, तो इसका मतलब होगा कि हमको इतना का निकालना है, कितना का निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 r इक्वल टू 3 सक्सेस 4 सक्सेस प्लस डॉट 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 2000 तक का निकालना है, तो हम एक काम करे इसमें से एक में से इधर ई दोनों को ले जाकर उधर घटा दे, जिससे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, यानी r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 1 का जो प्रोबेबिलिटी होगा उस दोनों को घटा देंगे एक में से, तो हमको इतने का इतना को ग्रसित होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाएगा, है ना। तो आप r इक्वल टू 0 का निकाल ही सकते हो, r इक्वल टू 1 का निकाल ही सकते हो,
और दोनों को जोड़ के, हाँ अथी जीरो का तो निकालने की है, आर का निकाल लीजिएगा, दोनों का जोड़ के एक में से घटा लीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा इतने लोगों को ग्रसित होने की प्रोबेबिलिटी। इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारे रियल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सब, यानी जो हम पढ़ रहे हैं, और आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा कि इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है। ये फॉर्मूला आया कैसे, ये तो समझ में नहीं आया, बात समझ में हमें भी आ रही है, और हम लोग क्योंकि कर में नहीं किए अभी काम, तो कैसे समझ में आएगा, है ना। तो अभी हम लोग जो सीखे आज की क्लास में, नॉर्मली एक बात आपको बताना हम छोड़ दिए थे कि हाँ एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो, यानी आर है हमारा एक्स, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ लेना है इसमें, हेयर एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, वो फिर से ये हम मिस कर दिए थे, एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक, कहाँ तक, डॉट 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 इन्फिनिटी तक, जबकि यही चीज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कहां तक आर की वैल्यू होती है, यानी एक्स यानी आर की वैल्यू है यहां, है ना। तो आर की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, 0 से n तक होती थी, क्लियर है ये बात, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास की जो मेन कंक्लूजन रहा कि हम लोग कुछ भी नहीं सीखे, बस इतना ही सीखे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, है ना, इसको कब अप्लाई करते हैं, और उसके प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है जिसे हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और फिर उस पर बेस्ड उसी को और अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको देखें, और फिर सीखें हम लोग कि उस पर बेस्ट प्रॉब्लम कैसे किया जा सकता है, और कैसे कैसे उस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे कि इस फॉर्मूला, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे कि फॉर्मूला आखिर बाइनोमियल का लिमिटिंग कैसे है, तो फॉर्मूला कैसे आया, और उसके बाद उसके लिए मीन और वेरियंस निकालेंगे, जो कि बहुत छोटा, क्योंकि जो पिछले वाला बाइनोमियल है उसका थोड़ा बड़ा बड़ा डेरिवेशन हुआ था, यहाँ पर थोड़ा छोटा कैलकुलेशन और डेरिवेशन होगा, तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे, तो ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं polytech.com, है कि नहीं, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।